इस चीज का या हमारे वॉल्यूम का स्नैपशॉट बन बन वागेर तो लिए, लिए बनाना आपको अगर ए एम आई बनानी है उससे तो एम के लिए कर लो या आपको किस तरीके की पॉलिसी बनानी है क्रॉस अकाउंट कॉपी कौ इवेंट पॉलिसी मतलब बहुत तरह की पॉलिसी आप डाल सकते हो अलग अलग पॉलिसी टाइप होती है ये कस्टम पॉलिसी है जो AWS खुद प्रोवाइड करता है पहली पॉलिसी बता रही है कि अगर आपको स्नैपशॉट बना, पॉलिसी बनानी है, मतलब आपको एस का स्नैपशॉट बनाना है ऑब्वियसली जो स्नैपशॉट बनता है वो आपका ई वॉल्यूम का ही बनता है राइट उसके बाद ई बी बैकेंड का ए पॉलिसी मतलब ई जो बैकेंड है आपका उससे ए बनाना है स्नैपशॉट से फिर ए बनता है वो राइट और थर्ड वाली है हमारी क्रॉस अकाउंट कॉपी इवेंट पॉलिसी अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको कॉपी करना है तो वो इससे हो सकता है राइट तो तो आप तो जैसे हम कस्टम पॉलिसी नेक्स्ट करता हूँ राइट एक बार पीछे आ रहा था वापस मैंने एक चीज मुझे करना ईबीएस का दिखाता तो हूँ आपको आगे चलते हैं अब हमें बताना है कि हमें कौन सी टारगेट किस चीज का हमें बैकअप बनाना मतलब किस चीज की हमें स्नैपशॉट बनानी या volumes की बनाना है, instance की बनानी वो है है तो उसका enter डालो, उसका नाम डालो डालो नाम कि volume क्या है, राइट? इस काम करता हूं. Uh, duplicate tab में इसको ओपन कर लेता हूं, राइट? और ए सी टू पे जाके चेक कर लेता मुझे किस चीज का बनाना है जैसे मेरे पास वॉल्यूम्स पे क्लिक करो तो मेरे पास तीन वॉल्यूम है सपोज करो वॉल्यूम आईडी यही है ठीक है ये कॉपी करा राइट यहाँ किया Enter value, volume ID, ये डाल दी मैंने ठीक है उसके बाद मैंने volume ID यहां से ये ये करी है तो आपको आपको डालना पड़ेगा जो आप बनाने वाले हो ना उस पे क्या जाएगा राइट वॉल्यूम देन पॉलिसी रजिस्ट्रेशन जो डालना डाल लो कोई दिक्कत नहीं default ये क्या है जो रोल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा जो डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर में लगा होगा वही रोल लगाओ तो हम डिफॉल्ट लेते हैं ठीक है कुछ आपको दूसरा रोल लेना तो आप बना के ले सकते हो राइट उसके लिए रोल बनाना पड़ेगा राइट या तो रोल बना लो या तो डिफॉल्ट ले लो डिफॉल्ट ले लेते हैं अभी के लिए राइट उसके बाद टैक्स ज्यादा की जरूरत नहीं है पॉलिसी इनेबल ये क्या कहती है देखो दो ऑप्शंस होते हैं इनेबल मतलब जैसे आप इसको क्रिएट करोगे ना इस पॉलिसी को तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा क्या लिखा है पॉलिसी इमीजिएटली अगर आप इसको इमीजिएटली इनेबल तो बन इनेबल्ड be right? राइट इसका कहने का मतलब कि अगर आप इसको नॉट इनेबल्ड करते हैं तो इसको मैन्युअली आपको एक बार सेट करना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए अगर अभी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो अभी हम नॉट इनेबल क्योंकि देखो जरूरत नहीं है राइट right? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? वॉल्यूम आई डी ओके एक सेकेंड वेट वेट नेम वैल्यू वैल्यू अब डाल देते कि हमने ऊपर वॉल्यूम लिखा तो हम वैल्यू डाल देते हैं। ऑटोमेटिकली देखो इसने ना वॉल्यूम सीएसके वो नेम निकाल दिए तो लेट्स टेक एग्जांपल टेस्ट एक्चुअली हमने ना ऐड नहीं किया था वॉल्यूम वाला भी चलता कोई इशू ना था अगर मैं वॉल्यूम करूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूस व्यूम आई डी यहाँ पे ये यह कॉपी कर लो वैसे इसको कुछ भी डाल सकते हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कहाँ क्या डालना वो आगे पता लगेगा और इसको ऐड करना था ऐड नहीं किया राइट किस किस रिसोर्स को आपको करना है वो डालना है तो ये भी डालना जरूरी है तो उसमें टेस्ट डाल दो अभी के लिए राइट बाकी सब ओके है एंड नेक्स्ट उसके बाद शेड्यूल पूछ रहा है कि आपको कब कब शेड्यूल लगाना है तो आप इस पर लगा सकते हो डेली के हिसाब से लगा लो मंथली ईयरली कैसे लगाना है, जल लगा लो पे और रिटेंशन की कितना अकाउंट रखना है वो रख सकते हो राइट और उसके बाद टैगिंग का ऑप्शन लगाना टैगिंग लगा सकते हो स्नैपशॉट आर्काइविंग फास्ट स्नैपशॉट ये सारी चीजें चीज हो राइट अगर मैं कह रहा हूँ शेड्यूल वन डेली करो बारह घंटे हर बारह घंटे में स्नैपशॉट बनेगा राइट और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि एड अनदर स्नेड्यूल मतलब आप एक से ज्यादा करना चाहते हो आप कर सकते हो राइट right? और शेड्यूल में आपको काउंट भी लगाना कितने कितने है कितने रिटेंशन टाइप चाहिए कितनी पॉलिसी तो ऑटोमेटिकली हो, तो right? तो क्या होगा उस वॉल्यूम को अब हर 12 घंटे में उसका स्नैपशॉट बनता रहेगा राइट right? अगर आप देखोगे पॉलिसी है टारगेट क्या ये हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली उसका स्नैपशॉट बनता रहेगा ये होता है जब आपको डेटा बेस को या कोई ऐसी चीज हो या कोई स्टांस हो वॉल्यूम आपको हर आ, कुछ टाइम पीरियड बाद इसका बैकअप करवाना ऑटोमेटिक बैकअप कि आप चाहो कि मैनुअल नहीं करना चाहते ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो आप राइट ये तरीका है तो अभी के लिए इसको ये डिसेबल्ड देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये डिसेबल्ड रहेगी क्योंकि मैंने वहां अनचेक किया था राइट इसको ओपन करोगे यहाँ पे इनेबल करोगे तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा राइट तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये तरीका है राइट सो थैंक यू गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ चुके इलास्टिक आईपी पढ़ेंगे पढ़ेगे पढ़ेंगे नेटवर्क इंटरफेस पढ़ेंगे प्लेसमेंट ग्रुप पढ़ेंगे राइट ओके थैंक यू एंड बाय बाय